हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे नए ब्लॉग्स में। सो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूं फिर से आपके लिए एक नए प्रोडक्ट्स को दिखाने, बात करने। और ऐसे प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए मैं यहां पे आज आया हूं दोस्तों, कि इस प्रोडक्ट्स को, इस बिज़नेस को कोई भी कहीं से भी बहुत ही आराम से कर सकता है। जी हां दोस्तों, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आज आपको दिखाऊंगा जो इस प्रोडक्ट्स में कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। छोटी सी मशीन है, आप अपने घर पे रख के बहुत आराम से, घर में कोई लेडीज़ है या घर में कोई 18 प्लस लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं और अच्छा खासा महीने का इनकम जनरेट कर सकते हैं। पर डे की बात करेंगे तो पर डे आराम से 1000 से 2000 रुपए आप कमा सकते हैं एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके। तो आज मैं उसी मशीन को चला के आपको दिखाऊंगा और कैसे वर्क कर रही है, कैसे प्रोसेस है, क्या रेट में होने वाला है, कितना इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चल रहा हूँ, अब यहाँ के जो मैनेजर हैं उनसे बातें करेंगे और इस टाइप की जो मशीनें हैं हम आपको चला के भी दिखाएंगे, प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। देखिए, छोटी मशीन भी है, बड़ी मशीन भी है, इससे भी काफ़ी ऑटोमेटिक मशीनें भी हैं, तो हम आपको दिखाएंगे और बने रहिएगा अंत तक। और हाँ दोस्तों, यदि अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जैसे हम आप तक ऐसे ही अच्छे बिजनेस आइडिया पहुंचाते रहें। तो आइए चलते हैं और बातें करते हैं। सो दोस्तों, अब हमारे साथ मौजूद हैं इस कंपनी के मैनेजर मिस कृति मैम। तो स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक से। तो मैम, एक शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपकी ये कंपनी है, कहाँ पे है, क्या नाम है, कैसे लोग आ सकते हैं और किस प्रोडक्ट्स पे हम बातें करने वाले हैं, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर प्रोडक्ट्स देखते हैं। सर, हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली में उत्तम नगर में है। जी, उत्तम नगर नवादा साइड। उत्तम नगर में हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है और नवादा हमारी ऑफिस है। और यहाँ पे सर, अभी जो मैं आपको मशीनें दिखाने वाली हूँ वो मेरा राउंड कॉटन विक्स मेकिंग मशीन है। उसमें बड़े रेट में भी है और छोटे रेट में भी है, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक में भी है और फुली ऑटोमेटिक में। कम बजट है वो सेमी यूज कर सकता है, जिसका ज्यादा है वो फुली ऑटोमेटिक लेके अपना बिजनेस। इस बिजनेस को मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे काफी ना यंगस्टर होते हैं जो कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, बट इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो इस मशीन को या इस बिजनेस को करने के लिए हमें कितना इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी? सर देखो, वैसे ये इसका इन्वेस्टमेंट जो है वो 30 से 40 से भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर इसमें हमने एक ये भी स्कीम रख रखा है कि अगर जैसे मशीन लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना है, नहीं मार्केटिंग हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो फिर हम बायबैक भी कर लेते हैं उसको। बायबैक भी कर लेते हैं 5 साल तक के लिए। वैसे हम 1 साल का रहता है, बाकी अगर 1 साल के बाद भी अगर नहीं आ रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम एग्रीमेंट को आगे भी कर देते हैं। ओके, मीन्स आप प्रोडक्ट कस्टमर से जो बना रहे हैं उनसे आप परचेज भी कर लेंगे। जी जी। तो परचेजिंग क्या रेट में उनको आप करेंगे, कैसे करेंगे? सर लाइक जो रॉ मटेरियल है वो 300 रुपए केजी है हमारा, ठीक। और वो हम जो है फिर जब बायबैक लेते हैं तो 500 रुपए केजी देते, इससे कस्टमर का 1 केजी पे 200 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये जो रॉ मटेरियल होगा वो भी आपसे परचेजिंग करना पड़ेगा? जी जी, रॉ मटेरियल के लिए भी कहीं नहीं जाना है, रॉ मटेरियल भी हमारे यहाँ से मिल जाएगा। मतलब आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बनाएंगे और आपको ही माल बेच देना है। तो ये एक एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं या कैसे होता है? सर इसमें एग्रीमेंट बनता है 1 ईयर का। जी अच्छा, इसमें 1 ईयर का होता है, इससे कोई ज्यादा करना चाहे 5 साल या तो ज्यादा करना चाहे तो हर 11 मंथ में जो है एग्रीमेंट को रिन्यू कर देते हैं और फिर वो कंटिन्यू रहता है फिर। अच्छा मैम, इस टाइप के जो बिजनेस है तो ये कितना पर डे या महीने का हम इनकम जनरेट कर सकते हैं इस मशीन को लगाकर? सपोज 30-35 या 40 हजार रुपए हमने लगाया तो हम क्या उम्मीद कर सके कि हम महीने का कितना कमा सकते हैं? सर देखो, इसमें जो प्रोडक्शन है इसका 8 घंटे का 3 से 4 केजी का है। जी। तो एक दिन के इसमें जो प्रोडक्शन बता रही है ऑटोमेटिक है सेमी ऑटोमेटिक? ये फुली ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का, हाँ जी। और जो सेमी ऑटोमेटिक है उसका तो खैर 2 केजी तक का है, बाकी आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आप कितना उसे यूज करते हैं, क्योंकि मैनुअल 8 से 9 घंटे यदि हम चला रहे हैं ऑटोमेटिक, हाँ, तो 3 से 4 केजी 3 से 4 केजी का प्रोडक्शन, उसके अकॉर्डिंग एक दिन का जो है आपके 1000 800 रुपए आपके पर डे। जी हाँ दोस्तों, तो इस मशीन में मतलब कम से कम इन्वेस्टमेंट आपकी 30 से 40 हजार रुपए जाने वाली है और आराम से आप पर डे के हिसाब से 800-1000 में मान के चलिए 30 हजार रुपए आप लगा के 30 से 35 हजार रुपए आप आराम से कमा सकते हो। और घर पे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं, अभी मैं आपको मशीन भी दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, छोटे कमरे में भी आप रख के कर सकते हो। जैसा मैम के ऑफिस में ही मैं अभी आप मशीन चला के आपको दिखाऊंगा, बहुत कम स्पेस लेता है इसको। इस बिजनेस को घर में कोई लेडीज है वो भी बहुत ही आराम से इसको यूज कर सकती है। आप कहीं बाहर जाते हैं बिजनेस कर रहे हैं तो आप आराम से वो काम करिए, और ये कोई लेडीज घर में काम करना चाहती है तो बहुत ही आराम से कर सकती है। बाई बैक का मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाया ही, मीन्स आप 300 रुपए में प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं और 500 रुपए में ये आपसे बाई बैक कर ले रहा है, राइट मैम? जी। तो चले मशीन देखते हैं फिर। जी सर। जी आइए चलते हैं।
मशीन का यहाँ पे पैनल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से आप स्विच ऑन करेंगे तो ये मशीन स्टार्ट देगी। ये जो है ओल्ड है, और अभी हमारे पास जो लेटेस्ट निकली हुई है वो ये है। इस मशीन में सेट, यहाँ से आप स्टार्ट करने के बाद इसमें आप सेटिंग भी कर सकते हैं अपना, कि आपको एक बार में 100 पीसेस बनाने हैं, 50 बनाने हैं, वो आप सेटिंग कर देंगे तो उसके बाद आपको इसमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे जैसे 100 पे करते हैं तो जैसे ही 100 हो जाएगा उसके बाद वो अपने आप ही मशीन रुक जाएगी। तो मैम इसमें जो कितने तक हम सेटिंग कर सकते हैं एक बार में? सर आप 100 तक कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 1000 तक है लास्ट में से। अच्छा, इसमें मतलब एक बार काउंटिंग में 1000 हम लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको फिलहाल ये वाली मशीन ऑन करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ ऐसे इसको हम ऑन कर देना है, और यहाँ पे इसका ऑन स्विच है यहाँ भी, फिर आपको यहाँ से भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ से इसमें कॉटन लगाना है सबसे पहले। कॉटन लगाने के बाद ये वहाँ से ऑन करने के बाद अपने आप ही ये जो है इस तरीके का बन बन के निकलेंगे इसमें सारे। ठीक है, तो देखिए ऐसे। अब मैं आपको इस मशीन को पूरा बेसिक तरीके से चला के दिखाऊंगी। ये इसका पलक है, इसमें स्विच में यहाँ पे लगाने के बाद सबसे पहले मैं इसमें जो है ये ऑन कर ले, ये कॉटन लगा ले रही हूँ, उसके बाद मैं मशीन ऑन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें कॉटन लगाना है। देखिए दोस्तों, ये कॉटन यहाँ से लगाया जा रहा है, तो इस टाइप से आप कॉटन भी यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड ये देखिए ऐसे कॉटन फिट हो रहा है इसमें। आप भी इसी तरीके से इसे वर्क कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई लेडीज भी घर में इसको कर सकती हैं बहुत ही आराम से। कॉटन लगाने के बाद हमें यहाँ जो पैनल दिया हुआ है, पैनल के पास से हमें स्विच ऑन कर देना है बस। बेसिक स्विच ऑन करने के बाद यहाँ नीचे सेटिंग, ये सेटिंग पॉइंट यहाँ बटन है, इसको ऑन करना है। उसके बाद ये कॉटन अपने आप ही यहाँ से नीचे जाता रहेगा और बन के निकलेगा। पहले ये कॉटन यहाँ पे सेट कर लेना आप। ठीक है, हाँ कॉटन यहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ से कॉटन अपने आप आ रहा है, आप उसको एक एक बार में से तोड़ लीजिए। आपको अगर छोटी बनानी है, पतली बनानी है, तो उसको हाफ भी कर सकते हैं, वरना एक करके भी आप लगा सकते हैं। मैं इसको भी हाफ करके लगा रही हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, बस इसको यहाँ पे ऐसे डाल देना। क्यों नहीं बन रहा है? इसी तरीके से बनती रहेगी और आपको ऐसे धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आप ज़्यादा जल्दी से भी बना पाएंगे इसे। तो ऐसे ही बनते रहेंगे इसमें, और ये भी फुली ऑटोमेटिक है, तो इसको भी अगर आपका कम बजट है तो आप कम बजट में भी इसको कर सकते हैं, और अगर आपका सही बजट है तो आप फुली ऑटोमेटिक लेके
अपना बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। क्या रेट होने वाला है? इस मशीन का सर 25,000 रेट है और इसका जो है 55 रहेगा। हाँ जी, विथ बाई बैग के साथ सर। और कॉटन प्राइस रेट सर दोनों में ही सेम है, 300 रुपये के जी है। जब हम रिटर्न लेंगे तो 500 रुपये के जी लेंगे। और इसमें जो है इसमें आप ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि ये मैनुअल है। वैसे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो 2 से 2.5 के जी का है, लेकिन आप अगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा बना लेंगे तो आपका दिन का ज़्यादा भी बेनिफिट हो सकता है सर। बिल्कुल ठीक है। सो मेरे पास ये जो मशीनें दिख रही हैं आपको, ये इस तरीके की हमारे पैकिंग होती है। अगर आपको कहीं भी मंगवाना हो, ये जो मेरे पास पैकिंग मशीनें रखी है ये ऑर्डर है सारी, ये बुकिंग है। ये मशीन हमारे बहुत बाहर बाहर जाने वाली है, तो आप भी कहीं से भी रहेंगे ये नहीं टेंशन है कि भाई हम मध्य प्रदेश से नेपाल रहते हैं कैसे आएगा। आपको कहीं भी रहते हैं आपका बुकिंग हमारे पास बड़े ही आसानी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का आपका भी पैकिंग रहेगा। मैं आपको खोल के दिखा दूँगी किस तरीके से हमने इसको पैकिंग कर रखा है अंदर। ठीक है, तो ये पैकिंग कर रखा है हमने इसके अंदर। आपको पूरा मशीन अंदर से भी पैक करिए, इसको कोई भी आसान तरीके से खोल नहीं सकता। मैं आपको अपने गोदाम में लेके आई हूँ। ये मेरे यहाँ पे पूरा स्टॉल लगा हुआ है और ये आपको घी विक्स है, मिक्स, जैसे कि आप कहते हैं कि सोचते होंगे कि इतना जितना भी आपके यहाँ से हमारे पास माल आता है, बाय बैक आता है, उससे हम हाफ तो मार्केटिंग करते हैं, बाकी हाफ हमारा घी विक्स में चला जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी मशीनें यहाँ पे रखी है जो कि ऑटोमेटिक मशीन है ये सारी। और इसमें आप क्या कहते हैं, अगर बत्तियाँ ये जो बत्तियाँ ये लंबे वाली अगर बनाना चाहते हो तो इसमें ही बन सकती है, और ये ऐसे गोल वाले में ही बन सकती हैं। जैसे राउंड वाली मशीन का मैंने आपको दिखाया था मशीन थी, वैसे ही सेम आपको इस ये वाली बत्ती बनाने की भी मशीन मिलेगी, उसका भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। और मशीन का जो प्राइस है, मशीन भी वैसे ही रहेगी सेम। इस तरीके से आप ही पैकिंग करके हमें देंगे, बाय बैग नहीं। आपको पैक पन्नी और ये जिसमें रबर बैंड लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मेरी तरफ से मिलेगा यहीं से, और आपको फिर इस तरीके से पैक करके हमें बाय बैग करना है इसमें। दोस्तों अभी हमने आपको मशीन चला के दिखाया, जैसा कि आपको मैम ने अभी दिखाया था ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन थी, और इधर भी ये है, ये छोटी सी मैनुअल मशीन है। आप जैसा देख रहे हैं टेबल, देखिए एक छोटे से टेबल पे ये दोनों मशीनें यहाँ पे रखी गई हैं, और स्पेस भी बच रहा है, यानी बहुत ही कम स्पेस ये लेने वाले प्रोडक्ट्स हैं। आप दोस्तों एक चीज देखिए, आप यदि ये कुछ मशीन मतलब 30-35 हज़ार रुपया लगा के आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आई थिंक इससे सस्ता और क्या होगा। कहीं आप जॉब भी करने जा रहे हैं तो इतनी फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी, आप ये आराम से करिए। और जॉब भी आप कर रहे हैं तो जॉब कंटिन्यू रखिए। इसके साथ एक घर में कोई लेडीज है तो देख रहे हैं कितना सिंपल प्रोसेस था, बहुत ही आराम से इस पर बनाया गया। कोई भी प्रोडक्ट्स देखो, बहुत ही आराम से ये बना रही थी, और बहुत ही प्रोडक्ट और फाइन प्रोडक्ट निकल के आ रहा था। ये देखिए जैसा आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, बहुत ही फाइन प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आया है, ये देखिए। तो आप आराम से 30-35 हज़ार रुपया लगा के बिजनेस कर सकते हैं। तो एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये मशीन का सपोज कोई फ्रेंड्स का ऑर्डर आता है तो कब तक डिलीवरी ये पहुंच जाएगी? सर अगर 4 बजे से पहले बुकिंग करते हैं तो अपना जैसे 5,000 रुपये हमें दे के बुकिंग कर दीजिए, और वो सेम डे जैसे आज आपने किया, 4 बजे से पहले बुकिंग करते हैं, 4 बजे से आज ही आपका निकल जाएगा। मतलब सेम डे या 4 बजे से पहले कोई करता है तो निकाल देंगे। हाँ, आज ही डिस्पैच हो जाएगा। एक बात बोला मैं 5,000 से, तो क्या 5,000 रुपये से ही आपको मशीन की बुकिंग हो जाएगी? जी, अब 5,000 देके आप मशीन बुकिंग करवाइए, और फिर उसके बाद बाकी के जो पेमेंट होंगे वो कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा। मेरे दोस्तों देखिए, अब ये भी आपके पास फैसिलिटीज है, 5,000 से आपकी बुकिंग हो जाएगी, बाकी आपके पास ये प्रोडक्ट पहुंच रहा है तो आपको उस टाइम पेमेंट फुल करना पड़ेगा। आप मतलब बुकिंग अमाउंट है आपका 5,000 से आप इस टाइप की मशीन है, जैसे इधर भी एक मशीन है, देखिए ये लेटेस्ट है इनकी फुल्ली ऑटोमेटिक, इसमें आपको काउंटिंग वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब आप एक बार यहाँ पे काउंट सेट कर दीजिए तो उतना आराम से मशीन चला के बंद हो जाएगी, आपको कुछ करना भी नहीं है। और ये भी ऑटोमेटिक है पर थोड़ी सी ओल्ड टाइप की है, और ये है आपका सेमी ऑटोमेटिक, अभी जैसे आपको हमने चला के दिखाया। ठीक है, तो इसका जो चार्जेस हो रहा है मैम, एक बार चार्जेस और एड्रेस अपना बता दीजिए, कुछ फ्रेंड्स यार आपके यहाँ विजिट करके मशीन देखना चाहते हैं तो कैसे आ सकते हैं? सर देखिए, ये जो फुली ऑटोमेटिक है ये 55,000 विद बायबैक, और ये वाली जो है मैनुअल है ये है 25,000। हाँ, अब किसी को विजिट करना है तो हमारा दिल्ली उत्तम नगर पिलर नंबर 698 के पास है। बाकी आपको ऊपर जो नंबर दिख रहा है आप और इंक्वायरी लेना, जब आएंगे आप एड्रेस लेंगे तो आप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे एड्रेस लेके आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं कॉल करके। जी बिल्कुल, तो दोस्तों नंबर मैम का आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप आराम से कांटेक्ट करिए। ज़्यादा नॉलेज की ज़्यादा जानकारी है तो आप कांटेक्ट करिए, और भी डिटेल और भी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तब तक दोस्तों जय हिंद, दोस्तों नमस्कार।